नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सर कैलाट। बात करेंगे दोस्तों बिहार में यहाँ पे आई हुई नई भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है और आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर टीचर की, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बिहार में लाइब्रेरियन वैकेंसीज के बारे में, बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। साथ साथ दोस्तों स्नातक पास अभ्यर्थी के लिए बहाली है। आइए दोस्तों एक एक करके सभी बहाली को यहाँ पर देख लेते हैं, कहाँ से कौन सी अपडेट आई हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, आपको बता दें कोबरा आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल दानापुर कैंट से यहाँ पे बहाली आई हुई है। प्रिंसिपल की, फीमेल प्रिंसिपल की एक यहाँ पे बहाली है, जिसका एज यहाँ पे 35 एबव होना चाहिए। इसमें बता दें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया। लेकिन दोस्तों फ्रेशर के लिए बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर टीचर के एक पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे मिनिमम 25 साल का एज रखा गया। जिन यहाँ पे छात्रों ने ग्रेजुएट कर रखा है बीएससी आईटी से, या बीसीए कर रखा है, या पीजी डीसीए कर रखा है, तो वो लोग यहाँ पे आपको बता दें इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। उनको अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करें तो आपको किस तरीके से भरना है, तो ये आपको बता दें ये पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया गया है, जिसको लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है आप लोग रिज्यूमे सेंड करेंगे 18 सितंबर तक, और एप्लीकेशन सेंड यहाँ पे आपको भेजना होगा दानापुर कैंट में। और जाके विस्तृत जानकारी के लिए आप दानापुर के वेबसाइट पर इस आर्मी स्कूल के जाके दे सकते हैं। अब दोस्तों लाइब्रेरी वैकेंसीज के बारे में बात करें, तो लाइब्रेरी बहाली को लेकर शिक्षा विभाग ने सचिव से मिले अभ्यर्थी। इन्होंने दोस्तों बता दें ऑल इंडिया ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन कमेटी द्वारा शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार से मिलकर लाइब्रेरी बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की लाइब्रेरी एसोसिएशन के पदाधिकारी से मुलाकात हुई। इससे पूर्व एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर पटना हाई कोर्ट में फैसला सुनाया, 60 दिनों के अंदर निर्णय लेने को कहा गया है। आपको 60 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि बहाली किस तरीके से होगी, कैसे होगी। अब जैसे बात करें एक और यहाँ पर नई वैकेंसी जो कि बिहार की तरफ से आई हुई है, एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ पे बिहार महादलित विकास मिशन के तहत। आपको बताया दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन रिजर्व की एक पोस्ट है, जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है बेनिफिशियरी। साथ साथ यहाँ पे एससी के यहाँ पे ईबीसी फीमेल की एक पोस्ट है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर लैंड एंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में। ये सब दोस्तों बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या इसकी है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी लोग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट है, देख सकते हैं कैंडिडेट शुड है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी स्ट्रीम में। साथ साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट कर रखा है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक सोशल साइंस सोशल वर्क आईटी में भी कर रखा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन माइक्रो फाइनेंस, तो वो लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। और जिन कैंडिडेट को यहाँ पे बता दें देख सकते हैं एक्सपीरियंस है, उनको यहाँ पे प्रिफ्रेंस दिए जाएगी, वरीयता दिए जाएगी। अब जब बात करें आपको आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन आपको दे सकते हैं mahadalitmission.org पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। 22/9 से पहले आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा, और देख सकते हैं आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन प्रिंट आउट एप्लीकेशन सेंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको यहाँ पे भेज देना होगा, महादलित विकास सेकेंड फ्लोर यहाँ पे दे सकते हैं। सारा डिटेल आप लोग जाके दे सकते हैं वेबसाइट पे, और यहाँ पे लिखा है फॉर फर्दर डिटेल यहाँ पे PID बिहार के वेबसाइट पे भी जाके दे सकते हैं। तो ये थी दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि बिहार में यहाँ पे बहाली हो रही है। बाकी और भी दोस्तों नई यहाँ पे वैकेंसीज के लिए वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले, ऐसे बिहार जुड़ी पल पल के नए वैकेंसीज के बारे में अपडेट आप सभी को देते रहेंगे।